हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं आपको आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है आप क्वेश्चन लिख के मुझे भेज सकते हैं, और मैं आपके उसकी फ़ोटो, आप क्वेश्चन लिखो उसकी फ़ोटो खींचो और मुझे भेज दो, और मैं अपने कमेंट सेक्शन में आपको उसके आंसर कर दूँगी। आप अपने सारे डाउट्स जो हैं मुझे भेज सकते हैं, और अगर ज़्यादा डाउट्स हो गए बच्चों के तो मैं उनको कलेक्ट करके एक वीडियो में उसके सब आंसर कर दूँगी। तो ये तो मैंने बात करी आपके, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, क्लासेस जितनी भी आपने करी होंगी, पर फिर भी जब आप पढ़ेंगे तो आपको डाउट्स ज़रूर आएंगे, तो आप अपने डाउट मुझे लिख के भेजिएगा, मैं आपको आंसर करूँगी। मेरे पास जब एटलीस्ट 10 से 15 डाउट्स होंगे तो मैं एक वीडियो उसका बना सकती हूँ। चलिए, तो आज का वीडियो अगेन इम्पॉर्टेंट, पूरा देखना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और इस चैप्टर में क्या, ये बड़ा स्कोरिंग चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग और बहुत इंटरेस्टिंग। तो हमारा आज का क्या चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये है हमारा चैप्टर का नाम लिख रही हूँ। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोटेक्नोलॉजी का क्या है, एप्लीकेशन। अब देखो, सबसे पहले हम ये जान लें कि बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे रिसर्च होती है। वैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आता, लेकिन एनसीईआरटी में 3 पॉइंट दिए हुए हैं, उनको आपको याद कर लेना बाई चांस अगर नीट के एग्जाम में आ गया कि विच इज नॉट द एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या कौन सा है, तो आपको आंसर करना पड़ेगा ना। सबसे पहला बायोटेक्नोलॉजी का जो एम होता है, एरिया ऑफ रिसर्च इन बायोटेक्नोलॉजी, ये आपका एक छोटा सा टॉपिक है। दिस इज व्हाट, दिस इज एरिया ऑफ रिसर्च इन बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी में क्या जरूरत है, टू मेक अ बेस्ट कैटलिस्ट एंडोन्यूक्लियेसेस, आपको क्या चाहिए, यू नीड अ बेस्ट कैटलिस्ट। आपको एक सबसे अच्छा क्या चाहिए, आपको कैटलिस्ट चाहिए, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम। और वो कौन से एंजाइम है हमारे, क्या रिस्ट्रिक्शन, दिस इज रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेसेस, जिसकी हमने बहुत सारी बात करी है लास्ट वीडियोस में। सेकेंड इज टू क्रिएट विच कंडीशन ऑप्टिमम, आपने क्या करना है, ऑप्टिमम कंडीशन क्रिएट करनी है। आपने प्रिंसिपल में पढ़ा था टू क्रिएट व्हाट, ऑप्टिमम कंडीशन, दैट इज एसेप्टिक कंडीशन, माइक्रोबियल फ्री कंडीशन। दिस इज द सेकेंड एरिया ऑफ रिसर्च। एंड ये सब अगर आप कर पा रहे हैं तो लास्ट में आपको क्या करना है, दिस इज व्हाट डाउन स्ट्रीमिंग, ये आपके आ गई कौन सी प्रोसेस, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, प्योरिफिकेशन, टेस्टिंग, ट्रायलिंग और लास्ट में कमर्शियलाइजेशन। तो ये हमने, दिस इज द चैप्टर नेम, ये इसका एक सब टॉपिक है, और इसमें आपको ये सिर्फ 3 पॉइंट याद करने हैं कि दिस आर, दीज आर द एरियाज ऑफ रिसर्च। चलो, अब हमने, हम अपने टॉपिक में आ गए, किसमें, क्या कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन। वैसे तो देखो बहुत एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, किसमें, जो आपके सिलेबस में है, यू हैव टू लर्न 3 इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। चलिए,
कौन कौन से ये एप्लीकेशन है. नंबर वन, इन द फील्ड ऑफ व्हाट? एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर, देखो भैया हमारा देश तो क्या है, हमारी जीडीपी मेनली किस बात के ऊपर डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर के ऊपर. फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज व्हाट? मेडिसिन. बिना मेडिसिन के तो सर्वाइवलिटी आज की डेट में पॉसिबल नहीं है, है ना, मेडिसिन. एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज वेरी जुवेनाइल, अ न्यू फील्ड, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज जीन थेरेपी. आपको पता है कि थेरेपी का मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ जीन मैनिपुलेशन. तो ये हमारे तीन फील्ड है इन द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, तो चलो आज हम क्या पढ़ेंगे, इनको मैं बताती रहूंगी एज विल गो ऑन. एंड आज का हमारा टॉपिक है विल लर्न इन द फील्ड ऑफ व्हाट? एग्रीकल्चर. ठीक है, अब सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट, देखो इसमें तीन क्वेश्चन आपके बनते हैं, बहुत प्यारा सा छोटा टॉपिक है. एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और 2 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के, बिल्कुल बहुत स्पेसिफाइड टॉपिक है. मैं तीनों क्वेश्चन आपको बताती हूँ. ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा हमारा व्हाई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाई शुड बी, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन. 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये एप्लीकेशन का क्वेश्चन है बीटी क्रॉप का, और एक और 3 मार्क्स का क्वेश्चन वो भी एग्रीकल्चर का है, क्या? आरएनए इंटरफेरेंस. तो ये आप इस टॉपिक को 3 क्वेश्चन के फॉर्म में याद कर लो, ये टॉपिक तैयार हो गया. और नीट के एग्जाम के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में. ठीक है, और छोटे छोटे मैं आपको बताती रहूंगी. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर कितने टाइप का होता है ना, टाइप्स ऑफ हाउ वी कैन हैव एग्रीकल्चर, हाउ व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज बेस्ड ऑन व्हाट? एग्रीकल्चर जो है हमारा इज बेस्ड ऑन, किस बात के ऊपर डिपेंड करता है एग्रीकल्चर? इज बेस्ड ऑन, सबसे पहले क्या है, नंबर वन एग्रो केमिकल्स, इट इज एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, ये एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर है. और एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर से क्रॉप को बहुत क्या होता है, देखो यील्डिंग तो बढ़ जाती है लेकिन जो हमारी सॉइल केमिस्ट्री है वो चेंज हो जाती है ना, पोल्यूशन हो जाता है, बायो मैग्निफिकेशन हो जाता है. ये दिस इज नॉट वेरी एडवाइजेबल, है ना, आपको पता है बायो बायो मैग्निफिकेशन, दिस इज सॉइल पोल्यूशन. फाइन, तो बस अभी हमने ये जानना है कि यहाँ पे हमने एग्रीकल्चर इज बेस्ड ऑन एग्रोकेमिकल्स, जिसमें आप क्या यूज करते हैं, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर. और ये वाला एग्रीकल्चर हमने बहुत करा, कब? विद ग्रीन रेवोल्यूशन, जब इंडिया में क्या आया हमारा, क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन. जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ 1961 में, तो हमने मैक्सिको से वीट की वैरायटी लेके आए, मैक्सिकन वैरायटी ऑफ वीट. और हमारी हमने इतना केमिकल्स यूज करे, एग्रोकेमिकल्स, कि हमारा यील्ड बहुत सारा बढ़ गया लेकिन हमें बहुत लॉस हो गया, हमको बहुत सारे वीड्स मिल गए, हमारी सॉइल केमिस्ट्री चेंज हो गई, बायो मैग्निफिकेशन हो गया इससे. सो दिस वी डोंट प्रिफर नाउ. फाइन, तो दिस इज एग्रीकल्चर इज बेस्ड ऑन, नंबर वन एग्रोकेमिकल्स. सेकेंड इज व्हाट? ऑर्गेनिक फार्मिंग. दिस इज ऑर्गेनिक फार्मिंग. और ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या करते हैं,
देयर इज नो यूज ऑफ व्हाट केमिकल्स, सब कुछ रिसाइकल रिसाइकल करके बनाते हैं, दिस इज गुड। बट इसमें हम आप क्या कर रहे हैं, यू आर यूजिंग एवरीथिंग एंड यू आर नॉट मेकिंग यूज ऑफ द केमिकल्स, बट उसमें हमने क्रॉप में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करा। ज्यादा से ज्यादा आप ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं कि आपने भाई ये दो स्पीशीज को लेके हाइब्रिडाइज करा दिया, वो मेंडल वाले जैसे एक्सपेरिमेंट थे तो। लेकिन कुछ अगर आपको कुछ नई चीज चाहिए क्रॉप में, वो आप नहीं कर सकते इसमें। सो ये है हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग, फार्मिंग विदाउट केमिकल्स। अब जो हमारा मॉडर्न एग्रीकल्चर है, दिस इज बेस्ड ऑन जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप, ठीक है। तो अब हमारा थर्ड काइंड ऑफ व्हाट है, दिस इज जेनेटिकली, दिस इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड, इंजीनियर्ड क्रॉप्स। अब हम क्या करना चाहते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप ग्रो करना चाहते हैं, तो दिस वी कॉल व्हाट इज GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। नाउ वी वांट दिस जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप। नाउ व्हाई जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप, व्हाई वी आर नॉट ग्रोइंग ओनली फॉर ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप को आप ऑर्गेनिक फार्मिंग से बाद में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन पहले हम उसको जेनेटिक इंजीनियर्ड, अगर हमें सीड मिल जाए हम क्रॉप ऐसे ग्रो करें तो ज्यादा फायदा होगा हमें। तो अब मैंने आपको बताया था ना छोटे छोटे क्वेश्चन, तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन नॉर्मली आ जाता है आपके सेक्शन बी में क्वेश्चन पेपर के, वाई जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप, ठीक है। तो क्यों हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बनाना चाहते हैं, तो क्वेश्चन इज व्हाई GMO क्रॉप, ठीक है। तो व्हाई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हमें, हम क्यों प्रेफर करते हैं, ठीक है। इसके पास आपके 4-5 पॉइंट्स हैं, उनको लर्न कर लो वेरी 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 इजी। सबसे पहला है कि जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप आपने ये टेक्नोलॉजी से बनाई, वो क्या है, दिस इज मोर टॉलरेंट टू द एबायोटिक स्ट्रेस। ये क्या है, दिस क्रॉप इज मोर टॉलरेंट, टॉलरेंट है, दिस इज मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस आप खूब अच्छे से समझते हैं, जैसे ड्रॉट हो गया, जैसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, सैलिनिटी हो गई, तो ये सारे ड्रॉट को सहन कर सकते हैं। इनके पास ऐसे जीन्स हम डाल देते हैं कि भाई वो बहुत ठंड में भी उग जाएंगे, वो बहुत गर्मी में भी उग जाएंगे, अगर पानी कम है तो भी कम इरिगेशन में काम कर लेंगे, सैलिनिटी ज्यादा है तो भी कर लेंगे, सो दे आर मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, फाइन। चलिए सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, उसमें क्या होता है, लेस पोस्ट हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस। अब मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल बताती हूँ। देखो पहले क्या है, टमाटो जब ग्रो करते थे फार्मर, तो वो सारे एक साथ राइपन हो जाते थे और उनकी जो शेल्फ लाइफ है आफ्टर हार्वेस्टिंग, वो बहुत जल्दी से पिलपिले हो जाते थे, क्योंकि उनकी जो स्किन है वो पतली हो जाएगी और वो खराब हो जाते थे, तो फार्मर को इससे बड़ा लॉस होता था। अब उसमें एक नया टमाटो बना दिया है जेनेटिकली मॉडिफाइड, उसमें एक ऐसा जीन इनकॉर्पोरेट कर दिया है जो कि उसकी स्किन को पतला जल्दी से नहीं होने देता और उनकी राइपनिंग भी धीरे धीरे होती है, तो उसकी शेल्फ लाइफ क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा दिन तक आप उसको रख सकते हैं, फार्मर उसको ज़्यादा दिन तक सेल कर सकता है।
नहीं तो भैया आज टमाटर हुए कल उसको बेचने पड़ते थे, नहीं तो वो खराब हो जाएंगे, कोई नहीं खरीदेगा उनके टमाटोज, है ना। तो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस जो है वो क्या कर क्या होता है इसमें लेस होता है, द जीन इज इनकॉर्पोरेटेड। फिर आपको क्या है, दे हैव उनका जो है एफिशिएंट मिनरल यूसेज, जो है उनका जो मिनरल यूसेज है, यूसेज इज एफिशिएंट, ये एफिशिएंट मिनरल यूसेज है कि वो एफिशिएंटली मिनरल को यूज करते हैं फ्रॉम सॉइल। ऐसे नहीं कि जितना मिनरल उन्होंने करा सब वेस्ट हो गया, जितना वो यूज कर एब्जॉर्ब करते हैं उसको वो यूज भी कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसमें और क्या है कि यू कैन ऐड न्यूट्रिशनल क्वालिटी, आप न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी ऐड कर सकते हैं, कैसे, यू कैन ऐड द जीन फॉर न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनल क्वालिटी। आप ये पूरे पूरे पॉइंट एनसीईआरटी से लर्न कर लेना, मैं समझाने के लिए छोटा छोटा लिख रही हूँ। तो आप जैसे विटामिन ए के लिए जीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, किया है, ये हमारे पास एग्जांपल है किसमें, गोल्डन राइस में। जैसे आपका चिनोपोडियम है दैट इज बथुआ, उसमें हमने आयरन के लिए जीन इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, सो दैट इट हैज मोर आयरन। जैसे आपका मेज है, मेज में मोर अमीनो एसिड यू कैन हैव, है ना। तो इसमें क्या है, हमारा न्यूट्रिशनल क्वालिटी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल हमने कह दिया फॉर विटामिन विटामिन ए, जिसको आप बीटा कैरोटीन कहते हैं, इन व्हाट, गोल्डन गोल्डन राइस, इट इज अ वैरायटी ऑफ व्हाट, ओराइजा सटाइवा, ठीक है। तो आप ऐसे हम बहुत सारे न्यूट्रिशनल ऑयल क्वालिटी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड टू टॉप इट ऑन, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है, वी कैन मेक अ पेस्ट रेजिस्टेंट, यू कैन मेक अ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। प्लांट को हम बिना केमिकल डाले ऐसा बना सकते हैं कि अगर कोई पेस्ट उसको आके ईट करेगा, पेस्ट विल डाई, प्लांट विल सेव्ड विदाउट हार्मिंग द प्लांट एंड इट विल हैव नो पोल्यूशन। तो हमने क्या पढ़ा कि वाई शुड वी गो फॉर जीएम क्रॉप, एक तो क्या है, मोर टॉलरेंट, देन लेस पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस, देन मिनरल यूसेज एफिशिएंट, न्यूट्रिशनल क्वालिटी आप ऐड कर सकते हैं, देन दे आर पेस्ट रेजिस्टेंट। फाइन, ये आपका नॉर्मली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और आप नीट के एग्जाम के लिए इसके एग्जाम्पल लर्न करिए, जैसे फ्लेवर सेवर टमाटो, गोल्डन राइस, चिनोपोडियम, देन मोर अमीनो एसिड इन व्हाट, मेज। तो आप एग्जाम्पल भी लर्न करो और दिस इज द 2 मार्क क्वेश्चन। फाइन, अब हम पढ़ेंगे 2 बड़े इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक एग्जाम्पल पढ़ने। ये तो हमने पढ़ा कि एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन जनरल, कि ये हमारे पास क्या है, वेज है टू मेक यूज ऑफ वर्क बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। नाउ वी हैव टू लर्न स्पेसिफिक एग्जाम्पल, और ये दोनों एग्जाम्पल में हमको प्लांट क्या बनाना है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाना है। नाउ दिस इज, देयर आर 2 एग्जाम्पल, एक मैं आज आपको बताती हूँ एंड 1 एग्जाम्पल I'll tell you in my next video. आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, दिस इज, इसको आप #tag करो, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट वॉट, BT stands for, BT is a short form, is a name of the bacteria called Bacillus thuringiensis. This is
a bacteria fine and whose name is it is bacillus thuringiensis, right? This is thuringiensis, fine. This is bacillus thuringiensis is what? Bacteria. Now पहले तो आप इस बैक्टीरिया का नाम याद कर लो, बी टी, फाइन। अब इस बैक्टीरिया में क्या प्रॉपर्टी है, क्यों हमने इसको एग्रीकल्चर में यूज करने वाले हैं? देखो ये है बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया का दिस इज बैक्टीरियल डीएनए, फाइन। एंड दिस बैक्टीरियल डीएनए हैज अ स्पेसिफिक जीन, इसके पास एक स्पेसिफिक जीन है। दिस जीन आई एम राइटिंग हियर, वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, दिस जीन इज क्राई जीन। और आप बहुत याद रखो, अगर ये इटैलिक्स में लिखा है तो दिस मीन्स इट इज अ जीन, ठीक है। दिस इज अ क्राई जीन and cry gene after transcription this forms what? DNA. This is a gene, that means is a fragment of the DNA. It forms what? RNA. And you all know that RNA forms what? Protein. Fine. So this gene after transcription and translation, this forms a protein called cry protein, and cry stands for crystal, crystal protein. See, if it is written in italics, it is a gene. If it is not written in italics, it is a protein. ये question भी आपको आता है, आपकी book में dark letter में italics में लिखा होगा question paper में कि what is meant by this, then you will say it is a cry gene. अगर non italics है तो it is a protein. तो this is a bacteria bacillus thuringiensis, इसके पास एक जीन है cry gene, जो क्या बनाता है? cry protein. और ये protein जो है bacteria को कुछ harm नहीं करती है, इसको हम क्या कहते हैं normally? protoxin. फाइन, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटॉक्सिन। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? दिस इज अ क्रिस्टलाइन प्रोटीन। अगर कोई इंसेक्ट का लार्वा इस बैक्टीरिया को खा ले तो उसकी बॉडी में जाकर, इफ एनी इंसेक्ट लार्वा, अगर कोई लार्वा ऑफ इंसेक्ट टेक दिस बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को क्या कर ले? इस बैक्टीरिया को, दिस इफ द बैक्टीरिया गोज इन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट लार्वा, ठीक है, ये क्या कर लेता है? इसको इंजेस्ट कर लेता है, खा लेगा। तो ये इसकी डिफेंस मैकेनिज्म है, ये अपने को कैसे बचाता है, क्या करता है कि दिस अंडर दिस कंडीशन जो ये बैक्टीरियल सेल है, इट विल गिव विच प्रोटीन? क्राई प्रोटीन। ये क्या दे देगा? क्राई प्रोटीन देगा। और ये जो क्राई प्रोटीन है, ये कहाँ पर? इंसेक्ट की कहाँ पर? मिड गट में। इंसेक्ट की मिड गट, आपको पता है इंसेक्ट की एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। मिड गट में जाके कौन सी पीएच होती है यहाँ पे? दिस इज एल्कलाइन, इट हैज एल्कलाइन पीएच। सो दिस क्राई प्रोटीन मिड गट में जाके क्या हो गई? दिस इज विच? प्रोटॉक्सिन। इस क्राई प्रोटीन को आपने क्या कहा था? प्रोटॉक्सिन। तो ये प्रोटॉक्सिन किस में कन्वर्ट हो जाता है? टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, फाइन। और ये है आपके इंसेक्ट की मिडगट, ठीक है, दिस इज द मिडगट।
और ये इसकी एपिथेलियम, ये इसका एपिथेलियम। एंड इट फॉर्म्स, ये जो टॉक्सिन है, ये वाला टॉक्सिन यहाँ पे जाके इसमें क्या कर दिया, इसने छोटे छोटे क्या बना दिए, पोर्स बना दिए, ठीक है। और ये जो इंसेक्ट का लार्वा है, दिस इज किल्ड, एंड इफ द लार्वा इज किल्ड दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। मैं फिर से बताती हूँ आपको, इफ द लार्वा ईट व्हाट, इफ बाय चांस बैसिलस चेरेंजिनसिस गोज इन द लार्वा, इस जब वो प्लांट का सैप खाते हैं, नॉर्मल भी आप सोच लो इसके पास चला गया, तो ये इसकी डिफेंस मैकेनिज्म अपने को बचाने के लिए। ये क्या करता है, क्रायोजीन क्या सिक्रीट करेगा, क्रायोप्रोटीन, जो कि क्या है हमारा, एक प्रोटॉक्सिन है, इंसेक्ट को कुछ नुकसान नहीं करता। लेकिन जैसे ही लार्वा की मिड गट में पहुंचा, वहां की पीएच क्या है, एल्केलाइन पीएच ने इस प्रोटॉक्सिन को टॉक्सिन में कन्वर्ट कर दिया और उसने उसकी मिड गट में क्या बना दिए, पोर्स बना दिए। तो मिड गट में जैसे ही पोर हुए तो लार्वा इज किल्ड। अब साइंटिस्ट लोगों ने ये पॉइंट नोट कर लिया, दिस इज ऑल्सो अ कैजुअल विजिटर ऑफ द प्लांट्स हैविंग ब्रॉड लीव्स, और ये लीव में भी नॉर्मली सर्वाइव करता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि वी वॉन्ट दिस जीन, अब इस जीन की जरूरत है, इस जीन को कहाँ डिलीवर करा, प्लांट में, ठीक है। तो पहले तो आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट बता दिया। नाउ हाउ दिस जीन इज यूटिलाइज्ड इन व्हाट, एग्रीकल्चर, इस जीन का एग्रीकल्चर में क्या यूज करा। अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा कि विद द हेल्प ऑफ दिस बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया की हेल्प से दिस क्रायोजीन इज डिलीवर्ड इनटू प्लांट, ठीक है। ये जीन को कहाँ डिलीवर कर दिया, प्लांट में डिलीवर कर दिया थ्रू बायो टेक्नोलॉजी। दिस जीन इज ट्रांसफर इनटू प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स में, और मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सबसे पहले हमारा बीटी प्लांट बना था, कौन, ब्रिंजल, जिस प्लांट में ये बैसिलस थ्योरिंजिनेसिस का जीन ट्रांसफर करते हैं उनको हम कहते हैं, कौन से प्लांट, बीटी प्लांट्स कहते हैं। बीटी प्लांट मतलब अ प्लांट हैविंग जीन ऑफ बैसिलस थ्योरिंजिनेसिस, और कौन सा जीन, क्रायोजीन, ठीक है। तो दे हैव इनकॉर्पोरेटेड द जीन इनटू द प्लांट्स, और बहुत सारे हमारे बीटी प्लांट्स हैं, जैसे कि हमारा क्या है, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, ठीक है, हमारे पास हो गया बीटी राइस, बीटी कॉर्न, ठीक है। सो दीज आर सम एग्जांपल, आपके पास है पोटैटो, फिर आपके पास आ गया टमाटो, और ये सारे नाम याद रखने हैं आपको कि ये हमारे बीटी प्लांट हैं। इसके अंदर किसके लिए जीन इनकॉर्पोरेट करा हुआ है, किसका, कौन सा जीन, क्रायोजीन, ये सारे बीटी प्लांट हैं। और सबसे पहला बीटी प्लांट हमारा कौन सा है, ब्रिंजल, बीटी ब्रिंजल, ठीक है। बीटी कॉटन इज ऑल्सो वेरी कॉमन, बीटी राइस, बीटी कॉर्न, बीटी पोटैटो एंड बीटी टमाटो, ये आपको याद रखने हैं। तो अब ये जीन कहाँ इंट्रोड्यूस करा, प्लांट में, प्लांट में जीन डिलीवर कर दिया बैक्टीरिया ने। अब प्लांट के पूरी बॉडी में ये जीन है, लीफ में, स्टेम में। तो जब लार्वा, व्हेन विल टेक द सैप ऑफ द लीफ, इसने लीफ का सैप लिया, तो ऑल्सो टेक दिस, ऑल्सो टेक कौन और क्या ले लेगा, इट विल ऑल्सो टेक व्हाट, क्राय प्रोटीन, इसने क्राय प्रोटीन भी खा ली। और क्राय प्रोटीन क्या है हमारी, दिस इज प्रोटॉक्सिन। भाई अब क्या हुआ, ये प्रोटॉक्सिन जैसे कि इस लार्वा की कहाँ पे गई, मिड गट में,
मिड गट में, तो मैंने इसको रेड से लिख लिया, अभी मैंने आपको समझाया था। और मिड गट में क्या बन गए हमारे, पोर्स बन गए, ड्यू टू विच पीएच, दिस इज एल्कलाइन पीएच, और ये लार्वा क्या हो गया आपका, किल्ड हो गया, एंड प्लांट इज सेव्ड। दिस प्रोटीन डज नॉट हार्म टू अदर एनिमल्स नॉर टू द ह्यूमन बीइंग। फाइन, ये जो प्रोटीन है ना तो ये प्लांट को हार्म करती है, ना तो ये ह्यूमन बीइंग को हार्म करती है, और ना दूसरे एनिमल को। दीज क्राइजीन, ये जो क्राइजीन है, अब हम थोड़े से और एडवांस हो गए। अब हमने ये क्राइजीन क्या डालते हैं, इंसेक्ट स्पेसिफिक क्राइजीन, पर्टिकुलर इंसेक्ट को मारने के लिए। वैसे तो ये क्राइजीन नॉर्मली हमारे, दे कैन किल, दिस क्राइजीन जो है दे कैन किल वेरियस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, जैसे कि आपका कोलियोप्टेरा, ये नेम भी आपको याद करने हैं, कोलियोप्टेरा, डिप्टेरा, डिप्टेरा, देन यू हैव लैपिडोप्टेरा, दिस इज लैपिडोप्टेरा। देखो ये लैपिडोप्टेरा होती हैं आपकी फ्लाइज, मॉथ एंड बटरफ्लाइज। मॉथ एंड बटरफ्लाइज तो नेक्टर पे फीड करती है, उनका जो लार्वा है वो प्लांट के ऊपर फीड करता है। दिस मीन्स वॉट, आपकी किसका, दिस इज वॉट फ्लाई, कौन सी फ्लाई आपकी, बटरफ्लाई, ठीक है, बटरफ्लाई का कौन सा लार्वा, ये बटरफ्लाई लार्वा है, ठीक है। लेपिडोप्टेरा में आपके आते हैं बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स, डिप्टेरा में आपके आते हैं हाउस फ्लाई, जो फ्लाई जिसके टू विंग्स हैं, इनको हम कहते हैं फ्लाइज, ठीक है। एंड कोलियोप्टेरेंस में आपके आती हैं कौन सी, बीटल्स, बीटल्स आती हैं, ठीक है। तो बीटल्स नॉर्मली क्या होती हैं, बोरर होती हैं, वो ग्रेन में छोटे छोटे छेद कर देती हैं, स्टेम में भी बोर कर सकती हैं, स्टेम बोरर होते हैं, सीड बोरर होते हैं। तो ये जो क्राइजीन है ये किस किस के ऊपर फंक्शन कर सकता है, किसको, लेपिडोप्टेरा को, किसको, कोलियोप्टेरा को, किसको, आपके देखो डिप्टेरा को, कोलियोप्टेरा को एंड लेपिडोप्टेरा के ऊपर एक्ट करता है। किसके लार्वा को किल करेगा, डिप्टेरा के अंदर जो भी आपके इंसेक्ट आते हैं उसके लार्वा को, कोलियोप्टेरा के लार्वा को और बटरफ्लाई के लार्वा को। लेकिन अब आपको क्या याद करना है कि ये जो क्राइजीन है दे आर इंसेक्ट स्पेसिफिक, ये क्या है हमारे, इंसेक्ट स्पेसिफिक है, ये क्राइजीन इंसेक्ट स्पेसिफिक है। देखो ये तो मैंने आपको लर्निंग के लिए बता दिया, देखो क्राइजीन वर्क अगेंस्ट, फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं जिससे कि आपको क्या ना होए, कंफ्यूजन ना होए थोड़ा सा। मैं इसको, दिस इज डिप्टेरा, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप आपका ये आ गया, एक ये लेपिडोप्टेरा। तो क्राइजीन कैन बी यूज फॉर विच ग्रुप ऑफ इंसेक्ट, लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा एंड डिप्टेरा, ठीक है। और कोलियोप्टेरा में आपकी कौन आती है, बीटल्स, इसमें आपकी जैसे ड्रोसोफिला हो गई, आपकी दूसरी फ्लाइज हो गई, और इसमें आपकी बटरफ्लाइज एंड मॉथ के लार्वा। अब आपको कुछ नाम याद करने हैं इंसेक्ट स्पेसिफिक जीन। अब देखो अगर आपने कौन सा जीन लिया, क्राई वन ए सी, एंड दिस इज क्राई, ये आपका है क्राई वन ए सी, क्राई टू ए बी, आपको ये क्या करने हैं, लर्न करने हैं नेम। दिस इज क्राई टू ए बी, ये दोनों जीन हमारे
किसके लिए है. दिस इज क्राई वन ए सी एंड क्राई टू ए बी इज यूज्ड फॉर द इंसेक्ट कॉल्ड कॉटन बॉल वर्म. बॉल वर्म कॉटन बॉल वर्म. ठीक है, ये एक बॉल वर्म है. हमारे ऐसे आर्मी वर्म्स भी होते हैं. एक्चुअली ये वर्म वो वाले वर्म नहीं है, निमेटोड्स वाले. ये क्या होते हैं, लार्वा होते हैं. किसके, कोलियोप्टेरा के और लेपिडोप्टेरा के. सो अगर हमें इस इंसेक्ट को किल करना है तो आप कौन सा जीन डिलीवर करेंगे प्लांट में, क्राई वन ए सी एंड क्राई टू ए बी. दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, आपको ये अच्छे से याद रखने हैं. एंड दिस प्लांट वॉज मेड इन 2002, ये भी आपको याद करना है. एंड दिस प्लांट इज विच प्लांट, अ बीटी प्लांट. और मैं आपको एक और बताऊं, दिस इज एक और इंसेक्ट स्पेसिफिक जीन, क्राई वन ए बी. दिस जीन इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर स्पेसिफिकली फॉर विच इंसेक्ट, कॉर्न बोरर. यहाँ पे मैंने लिखा है ना कॉर्न, किसके लिए, दिस इज कॉर्न बोरर, जो आपके कॉर्न के सीड में बोरिंग कर देता है, उसको खराब कर देता है. तो ये मैंने आपको बताया, ये इंसेक्ट स्पेसिफिक जीन. एक बार मैं फिर बताती हूँ कि जो क्राई जीन है आपने प्लांट में डिलीवर करा किसके थ्रू. क्राइजीन सबसे पहले कहाँ से मिला, बैसिलस थ्यूरिंजियनसिस. और क्राइजीन जिस प्लांट में हम डालेंगे उसको हम बीटी प्लांट कहते हैं. और क्राइजीन जब हम डिलीवर करते हैं तो इट इज अगेंस्ट लेपिडोप्टेरेंस, कोलियोप्टेरा एंड डिप्टेरा. क्राइजीन इंसेक्ट स्पेसिफिक जीन होते हैं. और क्राइजीन किसके लिए, कॉटन बॉल वर्म के लिए. ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है. क्राई वन ए सी, क्राई टू ए बी. कॉर्न बोरर के लिए क्राई वन ए बी. तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, कौन से प्लांट, बीटी प्लांट. वन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर. फाइन, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और एप्लीकेशन पढ़ाऊंगी, वो भी इम्पॉर्टेंट है. आप इसको पढ़िए. क्वेश्चंस ना आए तो कमेंट सेक्शन में फोटो खींच के भेज दो, लिख के भेज दो, मैं आपको आंसर करूंगी. थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम.